हे गाइस, एपिसोड के आखिर जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो इसको एक बार चेक कर लेना। वो एपिसोड बहुत ज्यादा औसम था और मैं चाहता हूँ तुम लोग इस एनिमी को अच्छी तरह से समझो और इसलिए उसको देख लेना। और अगर इस एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर देना। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है उसी मैच पे जहाँ पर सब लोग रेडी हो चुके थे। सीन आता है उन्हें दो लड़कियों के ऊपर जिनके लिए ये गेम हो रहा था, और उसके बाद वो लोग प्रे कर रहे होते हैं, यानी वो लोग कह रहे थे काश हाँ तो इस गेम को जीत जाए कि इस फाइट के ऊपर ही उनका फ्यूचर टिका हुआ था। खैर, इसके बाद यानी प्रेसिडेंट रेडी हो जाती है अटैक करने के लिए, लेकिन फाइट स्टार्ट होने से पहले क्लियर कहती है इस फाइट में वो अपना फुल बॉडी का यूज नहीं करने वाली, यानी वो अपने आधे बॉडी का यूज करने वाली है। और इसी बात को सुनकर हायातो शॉक्ड होता है। वैसे हायातो के लिए ये फर्स्ट फाइट था तो इसलिए वो इस रूल के बारे में नहीं जानता। और इसके बाद क्लियर कह रही होती है वेल, मैं जब भी ड्वेल करती हूँ तो उस टाइम मैं अपने फुल बॉडी पावर लगा देती हूँ, लेकिन अगर इस गेम में मैं अगर ऐसा करूंगी तो इसके बाद कई सेकंड में ये गेम एंड हो जाएगा, यानी कुछ से सेकंड में मैं इस गेम को जीत सकती हूँ। तो इसकी कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं अपना आधा पावर यूज करने वाली हूँ। हायातो के लिए ये अच्छी बात था, लेकिन इसके बाद भी हायातो शॉक्ड होता है। और उसके बाद इमाइल हायातो के साथ बात करती है। वो कहती है मेरे पास एक प्लान है और अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो इसके बाद तुम ही इस फाइट को जीतने वाले हो। तो अपने पीछे देखता है जहाँ पर इमाइल इधर ही होती है, और इमाइल हायातो का हेल्प करने वाली थी, और उसको देखकर हायातो हैप्पी होता है, यानी उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। पहले सीन को देखकर कमेंटेटर गुस्सा होता है, और इसके बाद इनमें से कैप्टन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये गेम हायातो का है, तो इसके कारण इमाइल तुम इसमें हेल्प नहीं कर सकती, यानी तुम इसको ज्वाइन नहीं कर सकती। और इसी बात को सुनकर प्रेसिडेंट कैप्टन को रोक देती है। वो कहती है अगर ये लोग एक साथ लड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। इसे भी इस बात को सब लोग जानते हैं, हायातो एक न्यू स्टूडेंट है, तो उसके कारण अगर वो ऐसा करना चाहता है तो इसमें कोई गलती नहीं है, वो लोग एक साथ लड़ सकते हैं। इसके साथ ही इमाइल हायातो के साथ आ गई थी और उनका मैच स्टार्ट हो जाता है। वैसे उनका एक मैच 15 मिनट में खत्म होता है, लेकिन क्लियर ये मैच पहले खत्म करना चाहती थी, और उसके कारण वो कहती है ये गेम ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, इसलिए तुम्हारे पास जितना पावर है इसको तुम लगा सकते हो क्योंकि ये मैच खत्म हो जाएगा। और इसके बाद फाइट स्टार्ट हो चुका था। प्रेसिडेंट अपना अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, और इसके बाद वो अपना अटैक करती ही है जहाँ पर हायातो अपने प्लान में आ जाता है, यानी वो अपना स्पीड का यूज करता है। लेकिन हायातो का अटैक देखकर प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि हायातो एक अलग ही तरीके से प्रेसिडेंट की ओर बढ़ रहा था। लेकिन हायातो का कंट्रोल इस अटैक में खत्म हो जाता है, और उसके कारण हायातो चिल्लाते हुए बहुत ज्यादा क्लियर के पास आ गया था। इसके बाद ही वो दोनों टकरा जाता है, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हायातो का एक हाथ क्लियर के उनमें था। इस सीन को देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। खैर, इसके बाद क्लियर भी जान पाती है उसके साथ एक कांड हो चुका है, और उसके कारण क्लियर को बहुत गुस्सा आता है। और उसके बाद वो कहती है ये तुमने क्या किया, क्या तुम जानते भी हो तुम्हारा हाथ कहाँ पर है। और उसके बाद हायातो देखता है उसका हाथ उनमें था, जहाँ पर वो अपने हाथ को ऐसे ही काम कर रहा था, यानी वो थोड़ा दबा भी देता है। क्लियर हायातो का कान को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और उसके बाद वो चिल्लाकर कहती है ये तुम क्या कान कर रही हो। और उसके बाद हायातो अपने प्रेजेंट माइंड पे आ चुका था। इसके बाद हायातो क्लियर से थोड़ा दूरी बना लेता है, और उसके बाद वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मेरा अटैक कंट्रोल से बाहर जा चुका था और उसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन क्लियर अपने अंदर से बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है इसके पहले मेरे साथ ऐसा किसी ने भी नहीं किया था, लेकिन तुम एक बहुत बड़े थड़की हो और इसका तुम्हें अंजाम मिलने वाला है। और उसके बाद वो अपना अटैक करने लग चुकी थी। यानी क्लियर अपने गुस्से में आ जाती है, और उसके बाद वो हाथों को पेलना स्टार्ट कर देती है, तो प्रेसिडेंट के अटैक को रोक देता है। और उसके बाद वो इमाइल के साथ बात करता है, जहाँ पर इमाइल हायातो के कान को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। लेकिन इसके बाद वो लोग अपना प्लान बना लेते हैं, और फाइट फिर से स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर हायातो इस बार पहले से अच्छा कर रहा होता है, तो अपना फुल प्लान के साथ अटैक करने लग गया था, जहाँ पर प्रेसिडेंट उसके ऊपर बहुत सारा अटैक करती है। हायातो इन सबको डॉच करके वो आ जाता है अटैक करने के लिए, और उसके बाद वो अपना अटैक कर देता है। लोग इस सीन को देखकर शॉक्ड हो चुके थे। हायातो सोचता है शायद से ये गेम एंड हो चुका है, लेकिन इसके बाद ही वो जान पाता है इससे प्रेसिडेंट का कुछ भी नहीं हुआ। प्रेसिडेंट ने अपने बैरियर का यूज किया और इसलिए वो सेफ है। और उसके बाद प्रेसिडेंट हंसकर कहने लग जाती है इससे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, और उसके साथ ही ये गेम अब एन होने वाला है। मैं जहाँ तक एक्सपेक्ट किया था उसने तुमने अच्छा किया, और उसके कारण तुम इसके हकदार हो। और उसके बाद वो अपने बर्स कैनन को आके ला देती है। वो देखकर कमेंटेटर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। और उसके बाद वो लोग कह रहे होते हैं क्या सच में प्रेसिडेंट इसका यूज करने वाली है, क्योंकि उसका ओपोनेंट एक न्यू स्टूडेंट है और अगर देखा जाए तो ये सही नहीं है। लेकिन इसके बाद भी प्रेसिडेंट इसका यूज करने वाली थी। उसके बाद हमें दिखाना चाहते हैं हायातो को, जहाँ पर वो बहुत हर्ट हो चुका था,
यानी वो बहुत थक गया था। उसके बाद वो उस बर्स्ट कैनन को देखता है और वो ट्रिगर हो गया था, जहाँ पर वो एक अलग ही माइंड पे आ जाता है। उसका बॉडी गर्म होने लग चुका था और उसके बाद वो रियलाइज करता है उसके बॉडी में कुछ और ही हो रहा है, यानी उसके बॉडी में पावर आ रहा था। साथ ही वो अपने माइंड को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट अपना अटैक कर देती है, लेकिन इसके बारे में वो देखती है जहाँ पर हायातो अपने फुल स्पीड में होता है, इसलिए वो अटैक हायातो को नहीं लगता और उसके बारे हायातो प्रेसिडेंट के पास आकर बर्स्ट कैनन को काट देता है। उसके बाद हायातो अपना अटैक करने लग चुका था, उसके बाद हायातो अपना अटैक करने लग जाता है और वो भी स्पीड से। पर हायातो का इस हाल को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि हायातो का अटैक करने का स्टाइल अलग हो चुका था। प्रेसिडेंट भी हायातो को ऐसा देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद वो बहुत सारा अटैक करती है, लेकिन ये सारा अटैक हायातो के ऊपर कोई भी काम नहीं आता। इसमें प्रेसिडेंट अपने बर्स्ट कैनन को फिर से बाहर लाती है और उसके बाद वो टारगेट करके हायातो को लगा देती है। अटैक को करने के बाद प्रेसिडेंट हैप्पी हो चुकी थी, लेकिन इसके बारे में वो जान पाती है हायातो ने मैजिकल बैरियर का यूज किया, जो कि एक न्यू स्टूडेंट ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल था। ऐसे ही फाइट कंटिन्यू होता है जहाँ पर हायातो अपर हैंड पे आ चुका था और इसको देखकर प्रेसिडेंट बहुत गुस्से में आ जाती है। साथ ही वो थक गई थी और उसके बाद वो जान जाती है बात न्यू स्टूडेंट का नहीं रहा, यानी इसके बाद वो हार भी सकती है और उसके कारण वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। और उसके बाद प्रेसिडेंट कहती है तो होगा देखा जाएगा, अब मुझे अपना फुल स्ट्रेंथ यूज करना होगा क्योंकि मैं क्वीन हूँ और मैं इधर नहीं हार सकती। और उसके बाद प्रेसिडेंट अपना फुल पावर लगा रहती है, जहाँ पर यह अटैक भी हायातो के ऊपर पहले काम नहीं आता, लेकिन इसके बाद वो अटैक बहुत ज्यादा हावी होने लग गया था और इसके कारण हायातो नीचे गिर जाता है। ऐसे फाइट का एंड हो चुका था, यानी हायातो इस फाइट को हार जाता है क्योंकि ऑब्वियसली हायातो बेहोश हो चुका था। खैर इसके बाद इमाइल उसके पास आती है और वो कहती है तुमने बहुत अच्छा किया, अब टाइम आ चुका था रिजल्ट का, यानी किसने इस गेम को जीत लिया। खैर इसके बाद कहती है जहाँ तक मैं जानती हूँ, यानी प्रेसिडेंट ने अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज किया जो कि एक गलत बात है, तो इसलिए क्या ये फाइट लीगल है? ये फाइट लीगल नहीं मानती। और इसके बाद इधर चार आ जाती है और इसके बाद वो कहती है माइल तुम्हारा बात सही है, यानी जो उसने किया वो अच्छा नहीं था, लेकिन इसके बाद भी ये एक फाइट है और इसमें जो भी बेहोश होगा वो हार जाएगा। और इस तरफ से कहा जाए तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ने इस फाइट को जीत लिया और यही डिक्लेयर हो जाता है, यानी प्रेसिडेंट इस फाइट को जीत लेती है। और उसके बाद ही प्रेसिडेंट भी इधर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है ऐसा बात नहीं है, मुझे लगता है मैं हार चुकी हूँ, तो मैं अपने रूल में खेलती और उसके बाद में जीतती तो हो सकता था मैंने इस फाइट को जीत लिया होगा, लेकिन इसके बाद मैंने ऐसा नहीं किया, यानी मैंने चीटिंग की, तो इसलिए मैं इस फाइट को नहीं मानती और इसलिए हम लोग इस फाइट को टाई कह सकते हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट इधर से चली जाती है, यानी उनका एक्सपेल इधर कैंसिल हो चुका था। और इसके बाद हायातो अपना आंखें खोलता है जहाँ पर वो अपने आप को एक बेड में पाता है और उसके बाद वो जान पाता है कि पास प्रेसिडेंट है। और उसके बाद प्रेसिडेंट हायातो के साथ बातें करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर वो कहती है तो मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, असलियत में तुम हो कौन और तुम इधर किस लिए आए हो। बात को सुनकर हायातो के मन में क्वेश्चन आ जाता है और उसके बाद वो कहता है लेकिन आप मेरे साथ ऐसा बातें क्यों कर रही हो। उसके बाद प्रेसिडेंट कहती है क्योंकि ड्यूल में जो तुमने किया था वो कोई नॉर्मल बात नहीं है, ट्विन के सामने लड़ रही थी और उसके बाद तुमने अपना फुल बॉडी अरेंजमेंट किया जो कि एक बहुत बड़ी बात है, साथ ही जो तुमने एब्जॉर्ब पावर यूज किया वो भी इम्पॉसिबल था और ये काम कोई इतना इजीली नहीं कर सकता, तो इसके कारण मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या बात है। जहाँ पर हायातो सोच रहा था वो क्या आंसर देने वाला है और इसी बीच इधर इमाइल आ जाती है, प्रेसिडेंट को इधर देखकर गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मतलब आप क्या चाहते हो। और उसके बाद प्रेसिडेंट शांत हो जाती है, वो कहती है मैं इधर माफी मांगने के लिए आई थी, लेकिन इसके बाद अगर तुम चाहती हो मैं इधर से चली जाओ तो इसके बाद मैं जा रही हूँ। प्रेसिडेंट इधर से चली जाती है। खैर इसके बाद हायातो और इमाइल एक साथ बातें करते हैं। रात को हमें दिखाया जाते कार में प्रेसिडेंट और उसके फ्रेंड एक साथ ही बातें करते हुए जा रही थी। वो लोग बातें कर रहे थे उसे ड्यूल के बारे में। प्रेसिडेंट के दोस्त कहते हैं आपने एक जीता हुआ ड्यूल सरेंडर कर दिया और यह शायद अच्छा बात नहीं है। प्रेसिडेंट कहती है ये कोई बड़ा बात नहीं है और मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। उसके बाद प्रेसिडेंट शर्माने लग गई थी, जहाँ पर यह सीन देखकर उसके दोस्त कहते हैं शायद जो हायातो ने कान किया था उसके बारे में आप सोच रही होगी। प्रेसिडेंट कहती है ऐसा कोई बात नहीं है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में, तो जग जाता है और उसके बाद वो इमाइल के साथ बात करता है जहाँ पर हायातो को बहुत भूख लगा था। इमाइल उसको खाने के लिए दे देती है और उसके बाद वो कहती है तुमने अपना सारा पावर यूज किया और इसके कारण हो सकता है तुम्हें बहुत भूख लगता होगा। तो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, ड्यूल के अंदर उसने बहुत पावर यूज किया था। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं जहाँ पर आखिर में इसके बाद इमाइल कहती है वैसे आज हमारा ऑफ है तो इसलिए क्या तुम सेंट्रल जाना चाहते हो। तो उस जगह के बारे में नहीं जानना था और उसके कारण इमाइल कह रही होती है सेंट्रल इस एरिया का यानी लिटिल गार्डन का एक जगह है
को बिजनेस ट्रिप कहा जाता है और उधर लोग घूमने के लिए चाहते हैं और हम दोनों भी उधर जा सकते हैं, तो इसके लिए हाँ कहता है। और उसकी बारी इमाइल कहती है तो ये एक डेट की तरह भी हो जाता है। और इसी बात को सुनकर हायतो गुस्से में आ गया था। इसके बाद वो लोग सेंट्रल पे आ जाते हैं जहाँ पर हायतो इस जगह को देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। को बिलीव ही नहीं होता वो लोग एक शिप के ऊपर है। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे ही बात करते हैं और एक साथ ही जा रही थी, लेकिन इसके बाद ही हायतो नोटिस करता है उसको बहुत लोग देख रहे हैं। और इसको देख कर हायतो कहता है क्या उन्होंने कोई गलती की है। कहती है कल जो तुमने ड्यूल किया था उसको देखकर सब लोग तुमसे बहुत सरप्राइज है और उसके कारण वो लोग ऐसा तुम्हें देख रही है। इसके बाद वो लोग अपने खाने के लिए भी कुछ ले लेते हैं और उसके बाद वो लोग एक साथ खा रही थी। अपना खाना हायतो के साथ शेयर करती है और वो हायतो का खाना खाने लग जाती है जहाँ पर इसको देखकर सारे लोग उनको ही देख रही थी। वो लोग एक साथ बातें भी कर रहे होता है। ये लोग बहुत ज्यादा पास है और वो लोग जानते हैं ये दोनों रूममेट भी है। यहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर हायतो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। वो कहता है मैं इधर से जाना चाहता हूँ, यानी मैं वापस लौट जाता हूँ। और इसके बाद हायतो चला ही जाता है जहाँ पर इससे पहले इमाइल कहती है इससे पहले मैं तुम्हें एक जगह को दिखाना चाहती हूँ। और इसके बाद वो हायतो को लेके आ जाती है एक जगह में जहाँ से सारा सनसेट देखा जाता है। हायतो इस प्लेस में आके हैप्पी होता है, लेकिन इसके बाद ही वो आसपास देखता है जहाँ पर सारे कपल इधर भरी हुई थी। वो लोग अपना प्यार यानी अपना निब्बा निब्बियों का काम जारी रखता है जहाँ पर इसको देखकर हायतो को बहुत अलग सा फील होता है। वो कहता है ये जगह तो कुछ और है। कहती है ये जगह लोग उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जगह बहुत ज्यादा सुंदर है और इधर से सनसेट बहुत अच्छा देखने को आता है। उनकी बातों को सुनकर हायतो इधर रुक जाता है और इसी बीच उसको एक कॉल आता है उसकी बहन से। अपने बहन यानी कारेन के साथ बात करता है जहाँ पर कारेन कहती है उसी ड्यूल के बारे में। को पता लग गया है हायतो ने कल एक ड्यूल किया था जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। और उसके कारण वो कहती है तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। और इसके बारे हायतो कहता है लेकिन तुमको कैसे पता चला। इसके बारे कारण कहती है क्योंकि इधर तुम्हारे ही बारे में बातें हो रहा था और उसके कारण मुझे पता चला। मैं भी उस ड्यूल को देखना चाहती थी, लेकिन जो भी हो कैसा रहा, क्या तुमने ड्यूल को जीत लिया। और उसके साथ ही मुझे एक और बात जानना है तुम कहाँ पर हो। वो कहता है वो सेंट्रल पे आया है। और उसकी बात कहता है उसके पास कोई लड़की नहीं है, यानी वो ऐसे घूमने के लिए आया है। कहते हैं क्या तुम मुझे प्रूफ कर सकते हो। और उसके बारे हायतो कहता है हाँ मैं प्रूफ कर सकता हूँ लेकिन कैसे। उसके बारे वाली सीन में कारेन इधर आ चुकी थी और उसके बाद वो इमाल को देखती है जहाँ पर उसको बहुत गुस्सा आ चुका था। वो कहती है तू ये कौन है। वो कहता है ये मेरा फ्रेंड है और मैंने बोला था मेरे पास यानी मेरे साथ कोई लड़की नहीं है, इसके साथ बातें कर सकती हो, यही इमाइल और ये मेरा फ्रेंड है। कहती है मैं और हायतो रूममेट है, साथ ही मैं एक लड़का हूँ। लेकिन इमाइल को देखकर कारेन को बिलीव नहीं हो रहा था ये एक लड़का है। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बात करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन अभी कारेन को इमाइल के ऊपर शक था और उसके कारण वो बार बार यही बातें कर रही थी तुम एक लड़का कैसे हो सकते हो। और इसके साथ ही तुम हायतो के इतना पास मत जाना, यानी ये बहुत बुरा हो सकता है। वो ऐसे ही अपनी बातें कर रही होती है। खैर इसके बाद वो लोग आ चुके थे एक जगह में जहाँ पर उनके आगे एक बहुत बड़ा स्क्रीन होता है। उसमें एक शो आ रहा था जहाँ पर एक पॉप मॉडल गाना गा रही होती है और इसको कारेन अच्छी तरह से जानती है, ये उसका आइडल था। उसके गाने को सुनकर हायतो या फिर भी हैप्पी हो जाती है। और उसके बाद वो लोग जान पाते हैं पास ही वाले एक आइसलैंड जिसको कहा जाता है जीस आइसलैंड उधर ये शो होने वाला है। बात को सुनकर कारेन उधर जाना चाहती थी, लेकिन कारेन का अब का हालत इतना अच्छा नहीं होता और उसके कारण हायतो कहता है किसी और दिन हम लोग चले जाएंगे, के लिए हमें खाना खाना होगा। और उसके बाद वो लोग आ जाते हैं एक रेस्टोरेंट पे जहाँ पर कारेन मेन्यू को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी क्योंकि हॉस्पिटल में उसको खाना मिलता है जो कि अच्छा होता है, लेकिन इधर का खाना बहुत ज्यादा डिफरेंट था। उसके बाद वो लोग आ जाते हैं एक साथ बैठते हैं और वो लोग अपना खाना स्टार्ट कर देते हैं। कारेन खाना खाकर बहुत हैप्पी थी। वो कहती है ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। इनको इतना हैप्पी देखकर इमाइल अपनी तरफ से खाना दे देती है जहाँ पर इसको पाकर कारेन गुस्सा भी थी, लेकिन इसको खाने के बाद कारेन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे ही अपना बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच इधर प्रेसिडेंट आ जाती है। वेल प्रेसिडेंट को कारेन जानती थी और उसके बाद वो कहती है वो बहुत ज्यादा रूड है, एक नंबर की जिद्दी है। और इस बात को प्रेसिडेंट सुन लेती है जहाँ पर हायतो कारेन को रोक रहा था, लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट कहती है मैंने सारा बात सुन लिया, ऐसे वो रूड वाली लड़की कौन है जो कि मेरे बारे में ऐसी बातें करती है। और उसके बाद तो कारेन के बारे में कहने वाला था, लेकिन इसी बीच एक बंदा इधर आ जाता है और उसके बाद वो कहता है उस लड़की का नेम है कारेन और वो हायतो का बहन है। और अगर बात किया जाए मेरे बारे में तो मैं प्रेसिडेंट का एक असिस्टेंट हूँ, मैं तो असिस्टेंट के साथ बात करता है। खैर इसके बाद वो लोग जाना चाहते थे प्रेसिडेंट इधर क्यों आई है। प्रेसिडेंट कहती है मुझे हायतो के साथ बात करना है। और इसी बात को सुनकर इमाइल गुस्से में आ जाती है। ये बात उसी ड्यूल के बारे में है तो ये इधर नहीं होने वाला, यानी वो ड्यूल उधर ही खत्म हो चुका था, रिजल्ट आ चुका है तो इसके बाद ये काम इधर नहीं होने वाला। और इसके बारे प्रेसिडेंट कहती है
ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे हायतो के साथ बातें करना होगा। इसके बाद प्रेसिडेंट अपना रीजन कहने लग जाती है, यानी हायतो को वो अपने कमीशन में लाना चाहती है कि उनके जगह में सेवेस का अटैक बहुत ज्यादा होता रहता है जो कि बहुत डेंजरस है और इनके साथ लड़ने के लिए उनके पास इतना आर्मी नहीं है, यानी उनकी टीम में इतना सारा मेंबर नहीं है और उसके कारण वो चाहती है हायतो उनकी टीम में आ जाए क्योंकि प्रेसिडेंट ने हायतो को देख लिया और उसके पास वो पावर है यानी वो सेवेस के साथ लड़ सकता है और उसके कारण प्रेसिडेंट चाहती है हायतो इसके बारे में कुछ सोचे। पर इसी बात को सुनकर इमाल कहने लग जाती है अगर ऐसा बात है तो मैं भी उस टीम में आना चाहूंगी। बात को सुनकर कैप्टन आगे आती है और उसके बाद वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, हमने तुम्हें ये ऑफर नहीं दिया तो उसके कारण तुम नहीं आ सकती, लेकिन इमाल नहीं मानने वाली थी और ऐसी उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। कहती है वैसे जो भी हो तुम्हारे पास इतना पावर नहीं है, यानी मैं तुम्हें हरा सकती हूँ, अति मेरे पास बहुत पावर है, मैं प्रेसिडेंट के साथ भी लड़ सकती हूँ। और इसके बाद वो अपना पावर आगे लाती है और अपने 100 पावर पे आ चुकी थी जहाँ पर इमाल के पास जगन टाइप का पावर था। इसके बाद इमाल कहती है वैसे कैप्टन क्या तुम डर चुकी हो, मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहती हूँ तो इसके कारण ड्यूल के लिए आ जाओ, प्रेसिडेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। और इसके बाद वो अपने 100 पावर में आ जाती है और उसके बाद फाइट होने वाला था, ये जगह उनके फाइट के लिए नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी दोनों नहीं मानने वाले थे। उनको कहा जाता है तुम दोनों फाइट को स्टॉप कर दो, लेकिन इसके बाद भी वो लोग नहीं मानते। तो कहता है एक बात को सुनो, मेरी बहन इधर है तो इसके बाद तुम ऐसा अटैक नहीं कर सकती। कहती है कोई बात नहीं है, मैं अपने वेपन से अटैक करने वाली हूँ। और उसके बाद वो अपने वेपन को आगे लाती है, फाइट इक्वल का हो चुका था और उसके बाद वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देता है जहाँ पर उनके पास इक्वल जैसा पावर था। इमाल थोड़ा आगे लग रही थी और ऐसे फाइट आगे जाने वाला था, लेकिन इसी बीच एक अलार्म बज जाता है, जिस आइलैंड का अलार्म था, यानी उधर सेवेस आ चुके हैं और उनको रोकने के लिए प्रेसिडेंट को अभी जाना होगा नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। प्रेसिडेंट कहती है हमें इधर से जाना होगा और उसके बाद वो इधर से जा रही थी और उसके कारण कैप्टन भी फाइट को स्टॉप कर देती है। इसको देखकर इमाल कहती है क्या तुम डर चुकी हो, क्या तुम भागने वाली हो, और उसके बाद एक इमरजेंसी आ गया है और उसके कारण मुझे जाना होगा। और उसके बाद प्रेसिडेंट के साथ वो लोग भी जा रहे होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट जाते जाते कहती है तो क्या तुम हमारी टीम में आओगे, बात को अच्छी तरह से सोचना। और उसके बाद वो इधर से चली जाती है, लेकिन इसी बीच इधर चार आ गई थी। इधर आकर कहती है प्रेसिडेंट एक बात को सुनो, यानी तुम्हें अपने साथ हायतो को ले जाना चाहिए क्योंकि मैं जानती हूँ ये तुम्हारे काम आने वाला है। चार के बातों को सुनकर प्रेसिडेंट स्टॉप हो जाती है जहाँ पर हायतो के पास एक मौका आ चुका था, यही उसका पहला फाइट होने वाला है जो कि कोई ड्यूल नहीं है, ये एक रियल फाइट है।